जैसे अगर कहीं बैठ गया नीचे, उठना बैठना नहीं है उसके नीचे, क्योंकि जब तू बैठेगा तो उसको सोचने का टाइम मिल जाएगा। दीपक थापा केसो आई है, ठीक है। दंगल के बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप जहां से देख रहे हैं कैसो की धरती से, हमारे साथ जो लाखड़ी देखिए पहलवानों से भागते हुए इन दंगलों में जो होता है वो डिसिप्लिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस सब की शुरुआत होती है आज से लगभग 25 साल पहले। जम्मू के एक छोटे से गांव केसो में हर वर्ष एक कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, जिसको देखने दूर दूर से गांव के लोग आते थे और कुश्ती का आनंद उठाते थे। यही देख एक माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनका बेटा भी बड़ा होकर एक दिन पहलवान बनेगा और अपना और देश का नाम रोशन करेगा। और इस तरह शुरू होती है मेरी कहानी। माली जीतने से बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि जिस तरह मेरे घर वालों ने मुझे छोटे होते हुए एक पहलवान के ऊपर फेरी दिलवाई थी, वैसे ही आज मेरी पहला दंगल और पहली माली जीतने के बाद किसी ने अपने बच्चे को मेरे कंधे पे बिठा के फेरी दिलवाई। लोगों का प्यार, ये लोगों का प्यार है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, हनुमान जी की आशीर्वाद से हमने पहली माली जीती है। अब अगले साल यहाँ पे इसी सिंज में अपने गांव में बड़ी माली पे लड़ेंगे। भैया लड़ेंगे ना? बिल्कुल, ठीक है। सो
इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं और कल से हम शुरू कर रहे हैं अपने 365 डेज का संकल्प। तो हमारे साथ बने रहिए और प्यार अपना देते रहिए। मिलेंगे दोबारा ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी, जय श्री राम।